बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मीना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के फजल से हैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं बना रही हूँ शवारमा मेरे स्टाइल में, जिस तरह मैं बनाती हूँ देसी स्टाइल में। तो ये मैंने चिकन है, ये देखें बॉयल कर, तो मैंने बॉयल करके इसको इस तरह, ये देखें बॉयल करके इस तरह छुरी के साथ इस तरह पीसीस में कर रही हूँ इसके। अगर इसके लंबे अगर रेशे हों तो वो भी ना छोटे हो जाते हैं। ये देखिए शवारमा ब्रेड है, ये एक पैकेट है, पांच पीस होते हैं इसमें। तो बहन भाइयों, सबसे पहले मैं इसको काट लूँ फिर दिखाती हूँ। मैंने पैन में डाल दिया है ऑयल 2 चम्मच, और ये मेरे पास लहसुन मैंने बारीक काट लिया है इसको। लहसुन हमारा छोटे हो गया है, पहले मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका तकरीबन 2 चम्मच, सोया सॉस ये भी 2 चम्मच, और चिली सॉस। नमक जो है मैंने बॉयल करते हुए भी थोड़ा सा ऐड किया था, थोड़ा सा मैं और ऐड कर देती हूँ, चिली फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ। ये तकरीबन 2 चम्मच केचप मैंने ऐड कर दिया, और ये मेरे पास है मायनेज, तो ये भी मैं ऐड कर देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरे पास क्रीम थी ऑलपर क्रीम, तो ये मैंने 2-3 चम्मच ये भी ऐड कर दी इसमें। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, तो आप रोज़ा खुलने के बाद ही पता चलेगा। चूल्हा बंद कर देती हूँ, और जो बैटर है वो थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब बना लेती हूँ मैं वाइट सॉस शवारमा के लिए। तो ये मैंने 1 बड़ी चम्मच बटर ऐड किया था जो पिघल गया, तो फिर मैंने इसमें 3 जवे लहसुन के ये बारीक काट के ऐड कर दिए। लहसुन हमारा जो है वो भुन गया है। ये 1 चम्मच मेरे पास मैदा है, अब मैं मैदा इसमें ऐड करके भून लेती हूँ। ये 1 कप दूध है मेरे पास, मैं ऐड कर देती हूँ, दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। देखिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये मेरे पास है काली मिर्च और नमक। नमक मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको कम कर लेती हूँ, तो ये मैं ऐड कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी वाइट सॉस है रेडी है, चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये मैंने जो सॉस है ये बाउल में मुंतकिल कर दी है, तो ये मेरे पास लीमू है, मैं 1 लीमू का रस इसमें ऐड कर दूँगी, मिक्स कर लूँगी। सॉस भी हमारी माशाल्लाह रेडी हो गई है। अब हम शवारमा की तरफ आते हैं। पैन फिर मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे, और इस पर जो हमारी शवारमा ब्रेड है ये मैं सेक लेती हूँ। ये देखिए हमारी सारी ब्रेड जो है वो मैंने सेक ली है। शवारमा ब्रेड जो है हमारी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो मैं इस पर इसका शवारमा बनाती हूँ मेरे स्टाइल में। आप पता नहीं है किस तरह बनाते हैं, लेकिन कभी इस तरह भी बना के देखिए देसी स्टाइल में, पसंद आएगा आपको और जल्दी भी बन जाता है। इस पर लगा लूँगी अब मैं चिकन, नमक मिर्च मैं अंदाजे के मुताबिक ही ऐड किया, तो थोड़ा सा सॉस जो है थोड़ी सी ये इसके ऊपर भी मैं ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको बस ये इस तरह मैं इसका रोल नहीं करूँगी, इसको मैंने इस तरह समोसे की तरह बना लिया है। ये देखिए और बहुत नरम है बहनों और भाइयों, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं सारे बना लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बहुत बहुत मज़ेदार देसी किस्म के शवारमे रेडी है मेरे स्टाइल, तो आपको पसंद आएंगे, बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो अफ्तारी तकरीबन होने वाली है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।